Now, today we'll discuss variation of ionization energy or enthalpy in periodic table. First case, ionization energy decreases in a group as the atomic number increases. कह रहा है आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है. कह रहा है इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट एज वी मूव डाउन ए ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम द साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस. अब स्टूडेंट ये मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा कि डाउन द ग्रुप साइज ऑफ एटम क्यों इंक्रीज करता है. ठीक है स्टूडेंट, आपने ये एक्सप्लेन भी करना है कि यहाँ पे साइज ऑफ एटम क्यों इंक्रीज करता है. सॉरी मैं आपको बता चुका हूँ, डाउन द ग्रुप एक तो शेल बढ़ती है. ठीक है स्टूडेंट, सेकेंड शेल से थर्ड शेल, थर्ड से फोर्थ शेल शेल बढ़ती है. दूसरा शील्डिंग इफेक्ट, मीन्स इन इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, शेल इंक्रीज होती है. ठीक है स्टूडेंट, और न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होता है. लेकिन ये दो फैक्टर्स हैं, ये इस फैक्टर को क्या कर लेंगे, इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज को ओवरकम कर लेंगे. शेल इंक्रीज हो रही है वन बाय वन एंड आपकी शील्डिंग इफेक्ट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, तो इन दोनों फैक्टर्स के कारण आपका जो एटॉमिक साइज है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. उसमें मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ऑलरेडी मैं ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वहाँ से आप रिकॉल भी कर सकते हो अगर आपको नहीं याद है तो. सो टॉप टू बॉटम साइज ऑफ एटम क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है एंड ऑल्सो शील्डिंग इफेक्ट भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है. एंड द आउटर इलेक्ट्रॉन्स बिकम फार्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस. अब डाउन द ग्रुप स्टूडेंट आपका साइज इंक्रीज कर रहा है. ठीक है स्टूडेंट, पहले आपका साइज फॉर एग्जाम्पल लिथियम है, ये था, अब आपका सोडियम आ गया, साइज बढ़ गया. फॉर एग्जाम्पल आपका पोटाशियम आ गया, साइज और बढ़ गया, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा है. ये आपका लिथियम है, ये आपका सोडियम है और ये आपका पोटाशियम है. अब स्टूडेंट जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स वो क्या होती जाएगी, वो कम होती जाएगी. क्यों? क्योंकि जो आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से क्या जा रहा है, दूर जा रहा है. क्या जा रहा है, दूर जा रहा है. जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से दूर जाता जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी. स्टूडेंट अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती जाएगी तो हम आउटर इलेक्ट्रॉन्स को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ईजिली रिमूव कर सकते हैं. ईजिली रिमूव करने का मतलब है हमारी जो आयनाइजेशन थल्पी है वो क्या हो रही है, कम हो रही है. तो ये इसका आंसर है. कह रहा है एंड द आउटर इलेक्ट्रॉन्स बिकम फार्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड दस रिड्यूसिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. सो जैसे जैसे स्टूडेंट हम डाउन द ग्रुप आ रहे हैं, लिथियम टू सोडियम, सोडियम टू पोटाशियम, पोटाशियम टू रूबीडियम, रूबीडियम टू सीजियम, तो साइज बढ़ रहा है. साइज बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रही है, कम हो रही है. एंड लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो एनर्जी जो हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए, वो भी क्या चाहिए, कम चाहिए. एंड हेंस आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप. ठीक है स्टूडेंट, ये आपका सेकेंड, सॉरी ग्रुप वन है अल्कली मेटल्स का. तो अल्कली मेटल्स की जो ये आयनाइजेशन एन्थैल्पी है वो डाउन द ग्रुप लिथियम टू सोडियम, सोडियम टू पोटाशियम, पोटाशियम टू रूबीडियम, रूबीडियम टू सीजियम क्या कर रही है स्टूडेंट, आयनाइजेशन एन्थैल्पी डिक्रीज कर रही है. ठीक है स्टूडेंट, अल्कली मेटल्स का ग्रुप वन. सो टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एन्थैल्पी डिक्रीजेस. ठीक है स्टूडेंट, नाउ सेकेंड केस आ गया अलॉन्ग ए पीरियड. आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज अलॉन्ग ए पीरियड विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर. अब स्टूडेंट अलॉन्ग ए पीरियड फॉर एग्जाम्पल लिथियम, बेरिलियम, बोरोन ये हम पढ़ चुके हैं. साइज क्या होता है स्टूडेंट अलॉन्ग ए पीरियड, डिक्रीज करता है. क्यों डिक्रीज करता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है. अब इनर इलेक्ट्रॉन्स शील्डिंग इफेक्ट वो क्या है, वो तो सेम है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या है, 1s2 इलेक्ट्रॉन तो किसमें ऐड हो रहे हैं, सेकंड शेल में, और 1s2 सेम है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का, तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, सेम होगा. अब यहाँ पे पीरियड सेम है मीन्स शेल भी क्या है, सेम शेल भी सेम है, सिर्फ क्या बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज. और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से स्टूडेंट क्या होगा, एटॉमिक रेडियाई क्या होगा, कम होगा. तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी. सो कह रहा है दिस इज ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस. ठीक है स्टूडेंट, अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, बढ़ जाएगी. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गई. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गई बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, तो हमें एनर्जी भी क्या देनी पड़ेगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ज़्यादा. तो इट मीन्स आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, अलॉन्ग ए पीरियड बढ़ रही है. कह रहा है दिस इज ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज
एंड एटॉमिक साइज डिक्रीजेज अलॉन्ग ए पीरियड। अब स्टूडेंट यहाँ पे एटॉमिक साइज क्यों डिक्रीज कर रहा है मैं डिटेल में नहीं यहाँ पे समझाऊंगा, आप पिछले लेक्चर्स देख सकते हो। सो एटॉमिक साइज डिक्रीजेज अलॉन्ग ए पीरियड एंड आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर मोर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस। जैसे जैसे साइज कम होता जाएगा, जैसे जैसे ये आपका साइज कम होता जाएगा, तो ये जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। सो आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर मोर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस एंड हेंस मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। अब जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो स्टूडेंट हमने इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रिमूव करेंगे एनर्जी देके, तभी तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। और अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती जाए तो हमें आयनिश एनर्जी भी क्या देनी पड़ेगी, ज़्यादा। सो डैट्स वाई आयनिश एनर्जी इंक्रीजेज अलॉन्ग ए पीरियड बट विद सम एक्सेप्शंस, वो हम स्टूडेंट बाद में देखेंगे एक्सेप्शंस कौन सी हैं। सो इन जनरल क्या आ गया, आयनिश एनर्जी इंक्रीजेज अलॉन्ग ए पीरियड ड्यू टू डिक्रीज ऑफ एटॉमिक रेडियाई। डिक्रीज ऑफ एटॉमिक रेडियाई से क्या हो रहा है, देयर इज ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सो डैट्स वाई आयनिश एनर्जी इंक्रीजेज अलॉन्ग ए पीरियड बट विद सम एक्सेप्शन स्टूडेंट बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आ गया फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। कह रहा है आयनाइजेशन एनर्जी किन किन फैक्टर्स से इफेक्ट होती है। सो पहला आ गया साइज ऑफ एटम, ये मैं आपको बता चुका हूँ, स्मॉलर द साइज, अगर साइज स्मॉल होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगी। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो हमें जो एनर्जी देनी पड़ेगी स्टूडेंट वो भी क्या देनी पड़ेगी, ज़्यादा। क्योंकि जब तक हम इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक नहीं करेंगे आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। सो विद एन इंक्रीज इन एटॉमिक साइज आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, ठीक है स्टूडेंट। सिंस द डिस्टेंस ऑफ द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीजेस, अगर आपका साइज बढ़ रहा है तो डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल वो भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। डिस्टेंस बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है न्यूक्लियस से, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रही है, कम हो रही है। हैंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगी, रिड्यूस होगी। एंड वाइस वर्सा, अगर एटॉमिक साइज कम होगा तो आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ेगी, ठीक है स्टूडेंट। सो पहला हो गया साइज ऑफ एटम, सेकंड क्या आ गया, चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। अब जितना न्यूक्लियस पे चार्ज ज़्यादा होगा, जितने आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होंगे, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे। अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे तो हमें इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करना क्या होएगा, डिफिकल्ट। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रही है एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। जैसे जैसे आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी तो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या होता जाएगा, डिफिकल्ट होता जाएगा। मींस आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड क्या होती जाएगी, ज़्यादा होती जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। तो सेकेंड फैक्टर, विद एन इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज देर इज एन इंक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है स्टूडेंट। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस फॉर इलेक्ट्रॉन्स मेकिंग द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है, डिफिकल्ट हो रहा है। जैसे जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रही है तो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या हो रहा है, डिफिकल्ट हो रहा है। तो आपकी जो आयनाइजेशन थेरेपी है वो भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। सो दस एन इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज द आयनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है स्टूडेंट। सो थर्ड फैक्टर आ गया टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, कि वैलेंस शेल में कौन से इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, एस इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, पी इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, डी इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं कि एफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। कर आयनाइजेशन एनर्जी आल्सो डिपेंड्स अपॉन द टाइप दैट इज एस पी डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर टू बी रिमूव्ड, कि एस इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, पी हो रहा है, डी हो रहा है, एफ हो रहा है। इसको स्टूडेंट पेनिट्रेटिंग इफेक्ट भी बोलते हैं, पेनिट्रेटिंग इफेक्ट, पेनिट्रेटिंग इफेक्ट, ठीक है स्टूडेंट। कह रहे हैं एस इलेक्ट्रॉन्स आर क्लोजर टू द न्यूक्लियस देन पी, कह रहे हैं एस इलेक्ट्रॉन्स आर क्लोजर टू द न्यूक्लियस एंड आर मोर टाइटली हेल्ड एज कंपेयर टू पी डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स। हैंस जितने ज़्यादा टाइटली बाउंड होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी। जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी उसको रिमूव करने के लिए हमें एनर्जी का देनी पड़ेगी, ज़्यादा। तो आयनाइजेशन एनथैल्पी क्या होगी, ज़्यादा। हैंस आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी स्टूडेंट, एस इलेक्ट्रॉन्स की, फिर पी इलेक्ट्रॉन्स की, फिर डी इलेक्ट्रॉन्स की, फिर एफ इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है स्टूडेंट। इसको क्या बोलते हैं, पेनिट्रेटिंग इफेक्ट।
सो फॉर द सेम शेल, फॉर एग्जाम्पल एक 3S शेल है और 3P शेल है, अगर हमने कंपेरिजन करना है आयनाइजेशन एनर्जी का, तो 3S वाले की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू 3P, बिकॉज 3S इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू 3P. क्यों? बिकॉज एस इलेक्ट्रॉन्स आर मोर पेनिटेटेड टूवर्ड द न्यूक्लियस देन पी देन डी एंड देन एफ. ठीक है सर, सो पेनिटेटिंग इफेक्ट क्या है, पहले एस का, एस इलेक्ट्रॉन्स आर मोर पेनिटेटेड देन पी देन डी देन एफ. सो जितनी ज्यादा पेनिटेशन होगी, एस इलेक्ट्रॉन्स आर मोर पेनिटेटेड टूवर्ड्स द न्यूक्लियस मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मोर. इट मीन्स एस इलेक्ट्रॉन्स की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियस वो क्या है, ज्यादा एज कम्पेयर टू पी, पी की ज्यादा एज कम्पेयर टू डी, डी की ज्यादा एज कम्पेयर टू एफ. और जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, हमें एनर्जी भी क्या देनी पड़ेगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, ज्यादा. ठीक है स्टूडेंट, सो आपकी आंसर एनर्जी भी इस ऑर्डर में आ गई, एस बी डी एंड एफ ऑर्बिटल्स. ठीक है स्टूडेंट, और थर्ड फैक्टर आ गया आपका शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इनर शेल्स. तो शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट किसका होता है स्टूडेंट, इनर शेल्स का ही होता है, जो आपके इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं. द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन ए मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम आर पुल्ड बाय द न्यूक्लियस. ठीक है स्टूडेंट, अब जो आपके ये इनर शेल्स हैं, अब न्यूक्लियस किसको अट्रैक्ट कर रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, कह रहा है इन ए मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स मीन्स इनर शेल में भी इलेक्ट्रॉन्स हैं. वैलेंस शेल में भी इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब कह रहे हैं मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, इलेक्ट्रॉन्स ने मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम आर पुल्ड बाय न्यूक्लियस बट आर रिपेल्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द इनर शेल्स. मैं स्टूडेंट जी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन साइमल्टेनियसली जो आपके इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं इनमें स्टूडेंट आपस में क्या हो रही है, रिपल्शन भी हो रही है. इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में आपस में क्या हो रही है स्टूडेंट, रिपल्शन भी हो रही है. सो कह रहा है अगर न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है, तो स्टूडेंट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिपेल भी हो रहे हैं, किससे हो रहे हैं, इनर शेल इलेक्ट्रॉन से. सो द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देयरफॉर डू नॉट एक्सपीरियंस द टोटल पुल ऑफ द न्यूक्लियस. इसका मतलब जो इफेक्ट होना चाहिए था न्यूक्लियर चार्ज का इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वो उतना नहीं है. क्यों, इफेक्ट को क्या हो गया, कम हो गया. क्यों कम हो गया, क्योंकि जो इनर इलेक्ट्रॉन्स थे ये वाले, ये आपस में क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं. अब जब ये रिपेल करेंगे तो स्टूडेंट ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे, धक्का मार देंगे, उसको शील्ड कर देंगे. तो क्या हो गया, ये दूर चला गया थोड़ा सा. अगर ये इलेक्ट्रॉन दूर चला गया, ये इलेक्ट्रॉन आपका दूर चला गया, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में, वो क्या हो गई, डिक्रीज कर गई. अगर वो डिक्रीज कर गई तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या हो गया, ईजी. तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, डिक्रीज. सो द वैलेंस इलेक्ट्रॉन देयरफॉर डू नॉट एक्सपीरियंस द टोटल पुल ऑफ द न्यूक्लियस. ये पता चल गया स्टूडेंट आपको कि जो न्यूक्लियर चार्ज है उसी के कारण से अट्रैक्शन नहीं हो रही, जो आपके इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स है ये रिपेल कर रहे हैं, ये इस अट्रैक्टिव फोर्सेस को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं. जो न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव फोर्सेस थी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स आपस में रिपेल करके क्या कर रहे हैं, उस अट्रैक्टिव फोर्स को कम कर रहे हैं. कड़ा इंस्टेड द टोटल पुल ऑफ द न्यूक्लियस इज रिड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स इन इनर शेल्स. ठीक है स्टूडेंट, जो टोटल पुल थी न्यूक्लियस की, वो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स ने क्या कर दी, रिड्यूस कर दी. एंड दैट दिस इफेक्ट ऑफ रिड्यूसिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस बाय इनर शेल्स, स्टूडेंट इसको क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग फैक्टर. ये मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूं, यहां मैं रिपीट कर रहा हूं. ठीक है स्टूडेंट, कि जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं आपस में रिपेल करते हैं, और जब ये रिपेल करते हैं तो आउटर इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा न्यूक्लियस से दूर कर देते हैं. अगर ये दूर चला गया तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गई, कम हो गई. तो इसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो भी क्या हो गया, कम हो गया. ठीक है स्टूडेंट, तो यही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज था, स्क्रीनिंग इफेक्ट. ठीक है स्टूडेंट, सो मोर द स्क्रीनिंग इफेक्ट लेसर द आयनाइजेशन एंथैल्पी. क्यों, मोर द स्क्रीनिंग इफेक्ट मींस मोर द नंबर ऑफ इन इलेक्ट्रॉन्स, इफ मोर द नंबर ऑफ इन इलेक्ट्रॉन्स मोर द रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड दे रिपेल द आउटर इलेक्ट्रॉन एंड आउटर इलेक्ट्रॉन मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड देयर बाय डिक्रीजिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन
and removal of valence electron becomes easier, so that's why ions energy decreases. So more the screening effect, lesser the ionization enthalpy. ठीक है स्टूडेंट. And second देखिए, this effect is exhibited by maximum by S2P6 most stable. S2P6 most stable. Student ये जो effect था कौन सा? Screening effect. ये maximum किसमें है student? S2P6 configuration में. For example 3S2 3P6. ठीक है student? S2P6 configuration में ये आपका screening effect maximum है. ठीक है student? अगर इस वाले केस में स्क्रीनिंग इफेक्ट मैक्सिमम है तो इस वाले केस में स्टूडेंट आयंस एंथैल्पी क्या होगी? कम होगी. ठीक है स्टूडेंट, क्या होगी? कम होगी. फॉर एग्जांपल कह रहा है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ पोटाशियम. ये स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना. कह रहा है व्हाई आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ पोटाशियम इज मच लेस देन कॉपर. कह रहा है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ पोटाशियम इज मच लेस देन दैट ऑफ कॉपर. व्हाई? However, both have one electron in their fourth shell. Potassium की configuration क्या है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 आ गया. So, potassium की valence shell में क्या आ गया? 4s1. Copper की क्या है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10. और last में क्या आ गया? 4s1. अब कह रहा है potassium में भी last electron किसमें है? Fourth shell में. यहां भी last electron किसमें है? Fourth shell में. मतलब हमने ये वाला इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है 4s1, और यहां से ये वाला इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है 4s1, क्योंकि आउटर इलेक्ट्रॉन ही आपका रिमूव होता है जब हमने आयंस एनर्जी देनी है. कह रहा लेकिन आयंस एनर्जी पोटेशियम की क्यों कम है कॉपर से? कह रहा आयंस एनर्जी ऑफ पोटेशियम इज 4.33 इलेक्ट्रॉन वोल्ट व्हाइल दैट ऑफ कॉपर इज 7.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑलमोस्ट डबल. कह रहा क्यों? दिस इज ड्यू टू लार्ज स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ S2P6 पेनल्टीमेट ऑर्बिट इन पोटाशियम. ध्यान से देखिए स्टूडेंट, पोटाशियम की जो ये पेनल्टीमेट शेल है मीन्स थर्ड शेल है, ये आपके आउटर शेल आ गई वेलेंस शेल. पेनल्टीमेट का मतलब है वेलेंस शेल के पहले. वेलेंस शेल के पहले कौन सी शेल है आपकी? अब 3s2 3p6. और मैंने अभी क्या कहा? 3s2 3p6 में स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है स्टूडेंट आपका? मैक्सिमम. इस वाले केस में अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट मैक्सिमम होगा मींस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? कम होगा. अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना क्या होगा? ईजी. तो आयंस एनर्जी भी क्या होगी? कम. ये मैं अभी बताता हूँ कि इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट क्यों मैक्सिमम है, वो मैं बताता हूँ स्टूडेंट अभी. कह रहा दिस इज ड्यू टू लार्ज स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ S2P6 पेनल्टीमेट ऑर्बिट इन पोटाशियम वाइल S2P6 यहां भी है स्टूडेंट. S2P6 ये रहा, 3S2 3P6 यहां भी है. S2P6 पेनल्टीमेट ऑर्बिट ऑफ कॉपर. कह रहा पोटाशियम वाले केस में ज्यादा है, कॉपर वाले केस में ज्यादा नहीं है. लिटल स्क्रीनिंग इफेक्ट इसमें क्या हो गया? लिटल स्क्रीनिंग इफेक्ट. फॉर एग्जाम्पल आप ये आप नियोन तक लिख लो कॉन्फिग्रेशन, मैं कॉपर की लिख रहा हूं स्टूडेंट. नियोन तक लिख लो 3S2 3P6, उसके बाद क्या आ गया स्टूडेंट आपका? 3D10. फिर क्या आ गया? 4S1. ठीक है स्टूडेंट, ये मैंने किसकी लिखी? कॉपर की. आपको ये एक्सेप्शनल केस पता ना, कॉपर का 4S1 3D10 होती है कॉपर. कंडेंस फॉर्म ऑफ कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, नियोन 3S2 3P6 3D10 4S1. ठीक है स्टूडेंट. और पोटाशियम नियोन 3S2 3P6 4S1. ठीक है स्टूडेंट. स्टूडेंट अब आपने कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है, अब डी एंड एफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है स्टूडेंट, वो क्या होता है? पुअर होता है. क्यों पुअर होता है मैं अभी बताता हूं. ये मैं आपको प्रूव कर चुका हूं कि 3D शेल जो 3D इलेक्ट्रॉन्स हैं स्टूडेंट, वो कौन सी शेल में है? फोर्थ शेल में. इसका मतलब 3D इलेक्ट्रॉन्स हैंग इसमें, वो फोर्थ शेल में है, वो है ही नहीं थर्ड शेल में. अगर वो थर्ड शेल में नहीं है, वो फोर्थ शेल में है, तो इसका मतलब ये थर्ड शेल में है 3D इलेक्ट्रॉन्स. 4S1 3D10 थर्ड में है. ठीक है सुन, अब डी इलेक्ट्रॉन्स इस वाली शेल में क्या हो गए? ज्यादा. इन इलेक्ट्रॉन तो स्टूडेंट आपके वही हैं 3s2 3p6, ये 3s2 3p6. ठीक है स्टूडेंट, ये 2s2 2p6 और ये आपका 1s2. ठीक है स्टूडेंट, मैं पूरा ड्रॉ कर दिया आपको. नाउ
अब इनके बीच में रिपल्शन होगी आपस में, ये स्क्रीनिंग इफेक्ट है। इनर्शियल इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब ये रिपेल किसको करेंगे, 3D इलेक्ट्रॉन्स को भी रिपेल करेंगे, 4s को भी क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो इनके रिपेल करने की कैपेसिटी क्या हो गई, कम हो गई। क्यों, क्योंकि यहां पे वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए स्टूडेंट, बढ़ गए। 3D इज नॉट इन द इनर शेल, 3D इज इन द वैलेंस शेल। अब वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए हैं, बढ़ गए हैं। अब बढ़ गए हैं, फोर्स ऑफ रिपल्शन तो स्टूडेंट पोटेशियम में भी उतनी है, पोटेशियम की भी 3s2 3p6 है, ठीक है स्टूडेंट, समझ लो ये पोटेशियम तक आ गई 3s2 3p6, उसमें भी इन इलेक्ट्रॉन्स उतने ही हैं 3s2 3p6 तक पोटेशियम के केस में। लेकिन पोटेशियम के केस में क्या है, ये वाला 3D नहीं है, वो सिर्फ किसको रिपेल कर रहे हैं, 4s को, ठीक है स्टूडेंट। मैं आपको सिंपल एग्जांपल बता देता हूं, अगर ये वाले इलेक्ट्रॉन्स स्टूडेंट एक इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे तो वो इफेक्टिव तरीके से रिपेल करेंगे, एक ही है उसको रिपेल करना है सिर्फ, ये सारी जान इन्होंने सारी फोर्स लगा दी किसको रिपेल करने के लिए, 4s को, एक इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने के लिए। वो रिपेल हो गया, वो बाहर आ गया, थोड़ी दूर चला गया सॉरी। अब अगर वही 3s2 3p6 तक इलेक्ट्रॉन, मतलब 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 यही इलेक्ट्रॉन्स अब किन को रिपेल कर रहे हैं, 3d 10 इलेक्ट्रॉन्स को भी रिपेल कर रहे हैं और 4s1 को भी रिपेल कर रहे हैं। तो स्टूडेंट इनके रिपेल करने की कैपेसिटी क्या हो गई है, कम हो गई है, क्योंकि पहले ये वाले इनर इलेक्ट्रॉन्स अप टू 3p6 तक, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन्स किसको रिपेल कर रहे थे, 18 इलेक्ट्रॉन्स को, सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन 4s1 को, पोटेशियम वाले केस में। पोटेशियम वाले केस में क्या था, ये सारे 18 इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ किसको रिपेल कर रहे थे, 4s1 को, एक बेचारे 4s1 को अकेले को। अब वही 18 इलेक्ट्रॉन्स स्टूडेंट किसको रिपेल कर रहे हैं, 3d 10 और 4s1 11 इलेक्ट्रॉन्स को, जो इफेक्ट क्या हो गया स्टूडेंट, कम हो गया, ठीक है ना स्टूडेंट। पहले 18 बंदे सिर्फ एक ही बंदे को रिपेल कर रहे थे, तो इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा ये दूर ज़्यादा चला जाएगा। अब ये 18 बंदे किन को रिपेल कर रहे हैं, इन 11 बंदों को, तो इफेक्ट क्या हो गया स्टूडेंट, कम हो गया। अब ये 4s1 का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट था वो क्या हो गया, वेरी लिटल, जिसका मतलब कॉपर में जो स्क्रीनिंग इफेक्ट आया वो क्या आया, वेरी लिटल, जबकि कॉन्फिग्रेशन सेम है। कॉपर का स्क्रीन इफेक्ट क्या आ गया, लिटल एज कम्पेयर टू पोटाशियम, पोटाशियम में स्क्रीन इफेक्ट का इफेक्ट क्या है, ज़्यादा। इट मीन्स ये 4s1 ज़्यादा दूर चला गया, ज़्यादा दूर चला गया मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गई है, कम हो गई है, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। सो डैट्स वाई आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ पोटाशियम इज लेसर दैन डैट ऑफ कॉपर। और स्टूडेंट आपको ये याद भी रखना है, नोट, जहाँ पे डी एंड एफ लोग एलिमेंट्स आ गए तो मतलब वहां कौन सा वर्ड यूज करना है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट, क्योंकि डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आने से जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है इनर्शियल इलेक्ट्रॉन्स का स्टूडेंट वो क्या हो जाता है, वो डिक्रीज कर जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है स्टूडेंट। मैंने आपको करके बता दिया है कि पहले 18 इलेक्ट्रॉन्स, ये वाले 18 इलेक्ट्रॉन्स अप टू 3s2 3p6 तक सिर्फ किसको रिपेल कर रहे थे, सिर्फ 4s को, किस वाले केस में, पोटाशियम वाले केस में, ठीक है स्टूडेंट। ये 18 इलेक्ट्रॉन्स 2s2 2p6 1s2, ये 18 इलेक्ट्रॉन सिर्फ किसको रिपेल कर रहे थे, 4s को, और ये रिपेल ज़्यादा हो गया, इफेक्ट न्यूक्लियस से दूर चला गया, इफेक्ट कम हो गया, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। अब स्टूडेंट यही 18 इलेक्ट्रॉन्स कॉपर वाले केस में किसको रिपेल कर रहे हैं, अब ये कॉपर वाला केस आ गया, किसको रिपेल कर रहे हैं, 3D को भी कर रहे हैं, 4s को भी कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। वही 18 इलेक्ट्रॉन्स पहले सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे थे, अब वो किसको रिपेल कर रहे हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स को, जिसके कारण से क्या हो गया, इनके ऊपर इफेक्ट क्या हो गया, कम हो गया। अब हमने तो 4s को सिर्फ कंसिडर करना है, रिमूव तो हमने 4s को करना है, अब 4s के ऊपर जो इफेक्ट आया वो क्या आया स्टूडेंट, कम आया। इट मीन स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या हो गया, कम हो गया, किस वाले केस में, कॉपर वाले केस में। इट मीन्स 4s1 में जो 4s इलेक्ट्रॉन था वो इतना शील्ड नहीं हुआ, तो डैट्स वाई कॉपर की आंसर एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा शील्ड नहीं हुआ, ज़्यादा दूर नहीं गया, इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वही रहेगी। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वही रहेगी तो इट मीन्स आंसर एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी। और पोटेशियम वाले केस में आंसर एनर्जी क्या हो गई है, कम हो गई है, क्योंकि ये 4s1 इलेक्ट्रॉन शील्ड होके थोड़ा सा दूर चला गया है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गई है, कम हो गई है, जिसकी वजह से आंसर एनर्जी क्या हो गई है, कम हो गई है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट फैक्टर आ गया कंप्लीटली फील्ड और हाफ फील्ड सबशेल्स।
अकॉर्डिंग टू हंस रूल कंप्लीटली फील्ड और हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। ठीक है स्टूडेंट, ये आपने, ये सबसे इंपॉर्टेंट यही वाला फैक्टर है। जहाँ पे ये वाला फैक्टर आ गया, आंखें बंद करके आपने कह देना है कि उस वाले आइटम की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, ज़्यादा। क्यों? क्योंकि हम स्टेबल ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन सॉरी स्टेबल एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी एटम नहीं चाहेगा कि मैं इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद, ये स्टेबल है, ये स्टेबल है, ये एटम नहीं चाहेगा कि मैं इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद क्या बन जाऊं, अनस्टेबल। इसकी ऑलरेडी कॉन्फिग्रेशन स्टेबल थी, समझ लो ऑक्टेट पूरा हुआ हुआ है, 2.8 ऑक्टेट पूरा हुआ हुआ है, तो ये एटम नहीं चाहेगा कि मैं 2.7 कॉन्फिग्रेशन एक्वायर कर लूँ। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि ये बन गया अनस्टेबल। सो इन वाले केसेस में जिन एटम्स की कॉन्फिग्रेशन कंप्लीटली फिल्ड है और हाफ फिल्ड है, वो ऑर्बिटल्स क्या हैं, स्टेबल, और वो वाले एटम्स नहीं चाहेंगे कि हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके क्या हो जाएं, हम अनस्टेबल हो जाएं। सो उनकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो क्या होगी, वेरी 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 लार्ज कंपैरिजन टू नियर बाय एलिमेंट्स। ठीक है स्टूडेंट, देयरफॉर इट इज कंपैरेटिवली डिफिकल्ट टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दीज शेल्स। ठीक है स्टूडेंट, कौन सी शेल्स, कंप्लीटली हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड और हाफ फील्ड। ठीक है स्टूडेंट, कंप्लीटली फील्ड शेल्स और हाफ फील्ड शेल से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कराना क्या है, डिफिकल्ट, बिकॉज दे आर ऑलरेडी स्टेबल एंड दे डू नॉट वांट टू बिकम अनस्टेबल आफ्टर रिमूवल द इलेक्ट्रॉन। सो डैट्स वाई कह रहे हैं आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम इज मोर देन डैट ऑफ बोरोन। अब क्या था ऑर्डर, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। इसका न्यूक्लियर चार्ज कितना है, 3, इसका कितना है, 4, इसका कितना है, 5। अब बोरोन का न्यूक्लियर चार्ज बेरिलियम से क्या है, ज़्यादा। तो अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी क्या होनी चाहिए थी, ज़्यादा। लेकिन स्टूडेंट है किसकी, बेरिलियम की। क्यों? क्योंकि बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 4, 1s2 2s2, और बोरोन का कितना है, 5, 1s2 2s2 2p1। एक तो स्टूडेंट ये स्टेबल था 2s2। ठीक है स्टूडेंट, एक फैक्टर तो ये वाला आ गया स्टेबल वाला, कि बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है क्योंकि इसमें फुली फील्ड आ गया 2s2, और यहाँ पे क्या आ गया, 2p1, सिंगल हाफ फील्ड, सारी शेल अभी बाकी पी की खाली बची हुई हैं। तो ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वो बेरिलियम की स्टेबल। एक तो ये रीज़न आ गया कि बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेरिलियम की स्टेबल है। इसके अकॉर्डिंगली बोरोन के अकॉर्डिंगली एक कॉन्सेप्ट और भी है स्टूडेंट, पेनिट्रेटिंग इफेक्ट। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से रिमूव हो रहा है स्टूडेंट, 2s से। शेल तो आपकी सेम ही है, सेकंड शेल, इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी सेम है, शेल भी सेम है। यहाँ से 2s इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा बेरिलियम वाले केस में, और बोरोन वाले केस में स्टूडेंट कहाँ से रिमूव होगा, 2p से। और ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, पेनिट्रेटिंग इफेक्ट ऑफ s इज मोर देन p, मीन्स s इलेक्ट्रॉन्स आर मोर पेनिट्रेटेड टुवार्ड्स द न्यूक्लियस देन p इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर s इलेक्ट्रॉन्स मोर पेनिट्रेटेड है, इसका मतलब s इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय न्यूक्लियस देन p इलेक्ट्रॉन्स। इफ s इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय न्यूक्लियस देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन s इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस ज़्यादा है, तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव दैट इलेक्ट्रॉन, कौन सा, s इलेक्ट्रॉन इज मोर, मीन्स आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ s इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, p से ज़्यादा। सो डैट्स वाई बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी बोरोन से क्या है, ज़्यादा, बिकॉज बेरिलियम वाले केस में इलेक्ट्रॉन रिमूव करना था 2s से, और बोरोन वाले केस में रिमूव करना है 2p से। एक रीज़न ये आ गया। दूसरा, बेरिलियम की आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, बोरोन की नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, सिमिलरली आ गया आपका नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हैज़ मोर आयनाइजेशन एनर्जी देन ऑक्सीजन, जबकि न्यूक्लियर चार्ज किसका ज़्यादा है, ऑक्सीजन का, इसका एटॉमिक नंबर 8 है और नाइट्रोजन कितना है, 7। इट मीन्स न्यूक्लियर चार्ज ऑफ ऑक्सीजन इज मोर देन डैट ऑफ नाइट्रोजन, लेकिन नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, ज़्यादा। ये देखिए नाइट्रोजन क्या आ गया, नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3। ये हंस रूल के अकॉर्डिंगली ये पहले अनपेयर्ड ही रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, यहाँ डिस्कस करना मैंने 2s2 2p3। ये क्या स्टूडेंट, हाफ फील्ड,
इसका मतलब नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, स्टेबल, ये स्टेबल आ गया। अब नाइट्रोजन नहीं चाहेगा कि मैं एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके अपनी कॉन्फ़िगरेशन क्या कर लूँ, अनस्टेबल। अब ये ऑक्सीजन आ गया और ऑक्सीजन में क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पेयर हो गए। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड नहीं है, अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड नहीं है तो स्टूडेंट ये क्या है, अनस्टेबल। अब इससे इलेक्ट्रॉन रिमूव कराना क्या है, इजी, और नाइट्रोजन से वेरी डिफ़िकल्ट। आंखें बंद करके अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाए तो आंखें बंद करके आपने फैक्टर लिख देना है कि उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, ज़्यादा होगी, बिकॉज दिस फैक्टर इज मच मोर पावरफुल देन अदर फैक्टर्स। आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन डैट ऑफ ऑक्सीजन बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन इज more stable than oxygen, so that's why to remove the electron from nitrogen is more difficult. If to remove the electron from nitrogen is more difficult, means its ionization energy nitrogen ki is more than that of oxygen. ठीक है स्टूडेंट, so अब मैग्नीशियम की सिमिलरली एल्यूमिनियम से ज़्यादा है और फॉस्फोरस की सल्फर से ज़्यादा, सेम कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, और ये मैं अभी डिस्कस भी कर लेता हूँ। पहले कह रहा है ionization energy trend for period 3 elements, ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ये ट्रेंड देखिए, पहले आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हुई, बड़ी सोडियम टू मैग्नीशियम, फिर मैग्नीशियम टू एल्यूमिनियम क्या हो गई, कम हो गई, फिर एल्यूमिनियम टू फास्फोरस फिर से बड़ी, फिर से फास्फोरस टू सल्फर थोड़ी सी क्या हो गई, कम हो गई, और फिर से सल्फर टू क्लोरीन टू आर्गन क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने कहा था ना कुछ एक्सेप्शंस हैं अलोंग ए पीरियड, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी लेकिन कुछ एक्सेप्शंस में क्या हो रहा है, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम भी हो रही है। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए ये वाला ग्राफ। नाउ देर आर टू एक्सेप्शंस टू द जनरल ट्रेंड इन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, अभी हमने देखा एक्सेप्शंस थी, कह रहा है बोथ एल्यूमिनियम एंड सल्फर, बोथ एल्यूमिनियम एंड सल्फर हैव लोअर आयनाइजेशन एनर्जीज देन माइट बी एक्सपेक्टेड। ठीक है स्टूडेंट, कह रहा है दोनों एल्यूमिनियम और सल्फर की आनी चाहिए थी ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी, अलोंग पीरियड बढ़ती है, लेकिन उनकी क्या है, लोअर है, किससे, मैग्नीशियम से और फास्फोरस से। कह रहा है क्यों, ये हम अभी देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये ट्रेंड हम अभी देख चुके हैं, सोडियम टू मैग्नीशियम बढ़ रही है, मैग्नीशियम टू एल्यूमिनियम फिर से कम होगी, मीन्स एल्यूमिनियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी मैग्नीशियम से क्या है, कम, और सेकेंड ट्रेंड क्या आ गया, सल्फर की फॉस्फोरस से क्या है, कम। ठीक है स्टूडेंट, और ये हम रीजन अभी देखते हैं, वैसे मैं आपको बता चुका हूं, कह रहा है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम इज लेस देन दैट ऑफ मैग्नीशियम इवन दो एल्यूमिनियम हैज हायर न्यूक्लियर चार्ज। एल्यूमिनियम का कितना न्यूक्लियर चार्ज है, 13, और मैग्नीशियम का कितना है, 12, उसके बावजूद कह रहा है एल्यूमिनियम की क्या है, आपकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कम। कट द इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड व्हेन एल्यूमिनियम इज आयोनाइज, स्टूडेंट ध्यान से देखिए मैग्नीशियम की क्या कॉन्फ़िगरेशन है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 मैग्नीशियम की आ गई। एक तो स्टूडेंट मैग्नीशियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या आ गई, स्टेबल, ये 3s2 फुली फिल्ड है, ठीक, कंप्लीटली फिल्ड है। ठीक है स्टूडेंट, और दूसरा इधर देखिए एल्यूमिनियम की, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, अब ये स्टेबल नहीं है। एक रीजन ये आ गया, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, स्टेबल, इसकी नहीं है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट कहाँ से रिमूव हो रहा है, 3s से, यहाँ 3s से रिमूव हो रहा है, और यहाँ कहाँ से रिमूव हो रहा है, 3p से। अब 3s और 3p को हम कंपेयर कर रहे हैं, ये हम ऑलरेडी बोल चुके हैं, 3s इलेक्ट्रॉन्स मीन्स एस इलेक्ट्रॉन्स आर मोर पेनिट्रेटेड देन p इलेक्ट्रॉन्स, शेल सेम है, शेल सेम होनी चाहिए, S electrons are more penetrated toward the nucleus than P electrons. If S electrons are more penetrated, toward the nucleus, it means they are more closer to the nucleus. If they are more closer to the nucleus, then force of attraction क्या होगी स्टूडेंट, ज़्यादा, और हमें remove करने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी का देनी पड़ेगी ज़्यादा। ठीक है स्टूडेंट, so the electron removed when aluminium is ionized is in a 3p subshell. एल्यूमिनियम को आयनाइज करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव कहाँ से करना है,
थ्री पी सबशेल से। विच इज हायर इन एनर्जी देन थ्री एस इलेक्ट्रॉन, थ्री पी की एनर्जी क्या हायर है, मीन्स थ्री एस आर मोर पेनिट्रेटेड टुवर्ड द न्यूक्लियस देन थ्री पी वेन मैग्नीशियम इज आयनाइज। थ्री एस की एनर्जी कम है, थ्री पी की एनर्जी क्या है ज्यादा, इट मीन्स थ्री पी इलेक्ट्रॉन्स आर अवे देन थ्री एस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस बिकॉज अकॉर्डिंग टू एन प्लस एल रूल भी आप देख लीजिए, थ्री पी की एनर्जी क्या है थ्री एस से ज्यादा है। अगर शेल स्टूडेंट सेम होनी चाहिए ये कंसेप्ट तब लगाना है, नहीं तो नहीं लगाना। शेल सेम है तो थ्री पी की जो एनर्जी है वो ज्यादा है। अब एनर्जी ज्यादा होगी तो मतलब क्या स्टूडेंट, वो न्यूक्लियस से क्या है दूर है, दूर है तो थ्री पी इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना क्या है ईजी, तो उनकी जो आंसर एनर्जी होगी वो क्या होगी, कम होगी। सो द इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड व्हेन एल्युमिनियम इज आयनाइज इज इन थ्री पी सबशेल विच इज हायर एनर्जी देन थ्री एस इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड व्हेन मैग्नीशियम इज आयनाइज। जब मैग्नीशियम आयनाइज होगा तो इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव होगा, थ्री एस से। सो रिमूविंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिटल रिक्वायर्स लेस एनर्जी, ये हमें पता है जिस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हाई होगी स्टूडेंट वो न्यूक्लियस से क्या होगा दूर होगा, इट मीन्स 3p इलेक्ट्रॉन्स आर लेस पेनिट्रेटेड देन 3s। क्यों, क्योंकि 3p की एनर्जी क्या है ज्यादा 3s से। अगर 3p की एनर्जी ज्यादा है 3s से, इट मीन्स 3p इलेक्ट्रॉन्स आर लेस पेनिट्रेटेड देन 3s इलेक्ट्रॉन्स और 3s इलेक्ट्रॉन्स आर मोर पेनिट्रेटेड टुवर्ड द न्यूक्लियस देन p इलेक्ट्रॉन्स। और अगर पेनिट्रेशन स्टूडेंट ज्यादा है s इलेक्ट्रॉन्स की, मीन्स तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी ज्यादा होगी। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो उसको रिमूव करना क्या होगा डिफिकल्ट, तो मतलब आंसर एनर्जी क्या होगी ज्यादा। सो डैट्स वाई मैग्नीशियम की आंसर एनर्जी क्या होगी एल्युमिनियम से ज्यादा, ठीक है स्टूडेंट। जबकि न्यूक्लियर चार्ज किसका ज्यादा है एल्युमिनियम का, दो फैक्टर्स आ गए, एक आ गया कंप्लीटली फिल्ड और दूसरा आ गया पेनिट्रेटिंग इफेक्ट, ठीक है स्टूडेंट। थ्री पी का पेनिट्रेटिंग इफेक्ट क्या है कम, बिकॉज इसकी एनर्जी क्या है थ्री पी की ज्यादा एज कंपेयर टू थ्री एस, एंड जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी वो न्यूक्लियस से क्या होगा दूर होगा, तो उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी कम होगी, तो उसको रिमूव करना क्या होगा इजी होगा, ठीक है स्टूडेंट। एंड आल्सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम इज मोर स्टेबल देन एल्युमिनियम, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है स्टूडेंट। ओवर हो गया। सो अगेन कह रहा है फर्स्ट आंसर एनर्जी ऑफ सल्फर इज लेस देन दैट ऑफ फॉस्फोरस इवन दो सल्फर हैज हायर न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है स्टूडेंट। इसका 15 है और सल्फर का कितना है 16, कह रहा न्यूक्लियर चार्ज सल्फर का ज्यादा है, उसके बावजूद आंसर एनर्जी किसकी ज्यादा है फास्फोरस की। अब स्टूडेंट ये आपका फास्फोरस आ गया, फास्फोरस की क्या कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2, ये क्या आ गया स्टूडेंट 3p3 और ये क्या बन गया स्टेबल। आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुली फिल्ड है या हाफ फिल्ड है तो वो क्या होगा स्टेबल। आंखें बंद करके आपने कह देना है कि आयनाइजेशन एनर्जी फास्फोरस की ज्यादा है किससे सल्फर से। अगर किसी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल आ जाए तो वो नेबरिंग एटम से उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी ज्यादा होगी। कह रहा है हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन इन बोथ फास्फोरस एंड सल्फर मीन्स 3p इज इन द 3p सब लेवल, दोनों कौन से जो इलेक्ट्रॉन रिमूवल है शेल है वो कौन सी है 3p है, दोनों 3p में ही है। अब यहाँ पे कोई पेनिट्रेटिंग इफेक्ट नहीं लगेगा। हाउएवर इन सल्फर दिस इलेक्ट्रॉन इज पेयर्ड, सल्फर में क्या हो रहा है ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया पेयर्ड हो गया। वाइल इन फॉस्फोरस ईच 3p ऑर्बिटल इज सिंगली ऑक्यूपाइड, ये क्या स्टूडेंट फॉस्फोरस में इलेक्ट्रॉन्स क्या है सिंगली ऑक्यूपाइड, मीन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं कंप्लीटली हाफ फिल्ड है इज सिंगली ऑक्यूपाइड एंड हैव कौन सी कॉन्फ़िगरेशन आ गई स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। द म्यूचुअल रिपल्शन बिटवीन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मीन्स लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव वन ऑफ देम। सो स्टूडेंट कौन से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा ये वाला 3p जो पेयर्ड है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो जाते हैं तो स्टूडेंट में क्या होती है रिपल्शन, अगर रिपल्शन होगी तो स्टूडेंट वो न्यूक्लियस से चला जाएगा दूर चला जाएगा। अगर वो न्यूक्लियस से दूर चला जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम हो जाएगी स्टूडेंट तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना ईजी हो जाएगा। इट मीन्स इन तीनों में से ये जो 3p 3 शेल्स हैं आपको नज़र आ रही हैं 3 सब शेल्स नज़र आ रही हैं, कह रहा है कौन सी शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। अब वो तो श्योर हो गया कि फास्फोरस से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्ट है क्योंकि इसकी ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन क्या है स्टेबल है। अब 3p की स्टेबल नहीं है तो इट मीन्स कि 3p से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या है ईजी तो है। आप देखना कि ये वाला रिमूव होगा कि ये वाला रिमूव होगा। अब स्टूडेंट कौन सा रिमूव होगा ये वाला जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है,
सबसे पहले यहां से ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पेयर इलेक्ट्रॉन्स में क्या हो रही हैं, रिपल्शंस। अब मैं आपको ये बार बार बता चुका हूं, रिपल्शन से क्या होता है, न्यूक्लियस का इफेक्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है, जिससे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। सो डैट्स वाई मैग्नीशियम वाले केस में, सॉरी सल्फर वाले केस में, जो आयनिश एनर्जी है इस 3p इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या हो रहा है, ईजी हो रहा है। तो उसकी आयनिश एनर्जी क्या होगी, सल्फर की कम होगी, और फॉस्फोरस की क्या होगी, एक्सेप्शनली हाई, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, स्टेबल। ठीक है स्टूडेंट, सो आपके दोनों एक्सेप्शनल केसेस होंगे थर्ड पीरियड के। सो नेक्स्ट आ गया एनसीईआरटी प्रॉब्लम, कह रहा है वुड यू एक्सपेक्ट द फर्स्ट आयनिश एन्थैल्पी फॉर टू आइसोटॉप्स ऑफ सेम एलिमेंट टू बी द सेम और डिफरेंट। कह रहा है दो सेम एलिमेंट के जो आइसोटॉप्स हैं, फॉर एग्जांपल आपका कार्बन 12, कार्बन 13, ठीक है स्टूडेंट, ये कार्बन के दो आइसोटॉप आ गए। कह रहा है क्या इन दोनों आइसोटॉप्स की जो आयनिश एन्थैल्पी होगी वो डिफरेंट होगी कि सेम होगी। कह रहा है टू आइसोटॉप्स ऑफ सेम एलिमेंट मीन्स इनका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होता है, सेम, सेम एलिमेंट हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो स्टूडेंट दोनों कार्बन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सेम, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या है, सेम, मीन्स न्यूक्लियर चार्ज भी क्या है, सेम, इनका साइज भी क्या फिर होगा, सेम। अगर साइज भी सेम है, न्यूक्लियर चार्ज भी सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट भी सेम है, तो हैंस दे आर एक्सपेक्टेड टू हैव सेम आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो स्टूडेंट दोनों की आइसोटॉप्स की, कार्बन के फॉर एग्जांपल आइसोटॉप्स हैं, दोनों की आयनिश एंथैल्पी क्या होगी, सेम होगी। तो आंसर क्या आ गया, किसी सेम एलिमेंट के जो आइसोटॉप्स हैं उनकी आयनिश एंथैल्पीज क्या होंगी, सेम होंगी, क्योंकि आइसोटॉप्स में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सेम प्रोटॉन्स मीन सेम न्यूक्लियर चार्ज, सेम साइज। और जो आपकी आयनिश एनर्जी है किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, वो न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रही है, साइज के ऊपर डिपेंड कर रही है। अगर ये साइज और न्यूक्लियर चार्ज ही सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही सेम है, तो स्टूडेंट आयनिश एन्थैल्पी भी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन ओवर हो गया है। नाउ अब जो नेक्स्ट है स्टूडेंट, इनके एनसीईआरटी क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, यहां तक आपने अच्छी तरह पढ़ लेना है। मैं आपको पहले बोल रहा हूं पीरियोडिक टेबल चैप्टर इज योर बेसिक चैप्टर फॉर योर एंटायर केमिस्ट्री, ध्यान से समझना है, ये टोटल चैप्टर कंसेप्चुअल चैप्टर है। ठीक है स्टूडेंट, और आपको एग्जाम में भी क्या आएंगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ही आएंगे। ठीक है स्टूडेंट, थैंक्स।